शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हुई थी मैंने ये होने के बाद डायरेक्ट पेज नंबर शुरू किया था तो इसमें मैं फिर से एक्सप्लेनेशन ले रहा हिस्सा बाकी था ठीक है? मोर देन टू थाउजेंड मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विदलाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड द लीव ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं टू थाउजेंड मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर साल भर वो हरे रहते हैं पतझड़ नहीं होती उनकी और उनके लीव्स जो होते वो ब्रॉड होते हैं और ग्रीन होते हैं, द ट्रीज है हार्ड वुड है एंड ड्यूरेबल एग्जाम्पल महोगनी रोजवुड रबर एटसेट्रा ये उसके एग्जाम्पल्स ऑल्सो देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हिअर क्रीपर्स मतलब वेली मराठीत त्यांना वेली म्हणतात जे कशाचा तरी आधार घेऊन वर चढावं लागतं त्यांना वेलींना ते लता कि संस्कृत में हायस्ट बायोडायव्हर्सिटी इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इन रिजन्स रिसिविंग रेनफॉल बिटवीन वन थाउजंड मिलीमीटर टू टू थाउजंड मिलीमीटर इन इंडिया डेस्टिडियस फॉरेस्ट सर फाउंड डेस्टिडियस मतलब पतझड़ जिनकी होती है पतझड़ के मौसम में जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं जो अपने पत्ते रिलीज कर देते हैं उन्हें कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट इन ड्राई सीजन्स ट्रीज शेड देयर लिव सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ड ड्यू टू एपोरेशन फॉर एग्जाम्पल टीक बा बाम्बू बनियन पीपल एट्सट्रा आर द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट तो ये डेस्टिडियस uh, फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज के रीजन दैट रिसीव लेस देन फाइव हंड्रेड मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर्स लॉन्ग पीरियड इन इंडिया एंड श्रब टाइप वेजिटेशन इज फाउंड छोटे हाइट के दीज़ लीव्स आर स्मॉल इन द लीव्स आर स्मॉल इन साइज एग्जाम्पल कैटेच कैटीच्यू मे का मतलब पान में डालते है ना लाल कलर आने के लिए कात कत्था फिर एकेशिया, एकेशिया मतलब बाबी, बाबी का जो झाड़ होता है बबूल का पेड़ जिससे गोंद पैदा होता है डिंक जैसा पसंद बनता खेजरी एंड वराइटीज ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगावे अगावे को अगावे ही कहते हैं इन स्वैम्पी एरियाज इश्चरीज एंड लगून नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सलाइन एंड क्लाइमेट कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड मतलब जहां पर छोटी नदियां मीट होती है समुद्र से वहां पर एल्यूबियम डिपॉजिट नहीं होता उसके कारण डिवाइड uh, नहीं होते वाटर uh, के फ्लोज एक ही जैसा फ्लो होता है तो उस वो रीजन जो होता है उसे कहते हैं इश्चरीज लगून्स मतलब पिछले साल ये हुआ है लगुन्स मतलब आ, समुद्र के पास अगर आ, किनारे पर किनारे के करीब अगर आ, थोड़ा सा आ, मतलब डीप एरिया हो तो समुद्र का पानी वहां पर घुस जाता है तो वहां पर स्टेबल पानी होता है वहां पर वेव्स वगैरह नहीं आ सकती उसे कहते हैं लगुन्स तो वहां पर सलाइन सॉइल होती है मॉइस क्लाइमेट होता है और कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है आर कॉल्ड मैंग्रोव्स और सुंदरबंस इन इंडिया तो ये वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में काफी सुंदर बन पाए जाते हैं द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज ऑयली लाइट एंड ड्यूरेबल इन इंडिया इन इंडियन हिमालय थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द आल्टीट्यूड इन एरियाज लोकेटेड एट एरिया सीजनली फ्लोरिंग ट्रीज आर फाउंड इन रीजन विद मीडियम आल्टीट्यूड कोनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन देवदार फीर एंड फुट हिल्स एंड एट फुट हिल्स मिक्स फॉरेस्ट आर फाउंड दीज दीज इंक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया है इसलिए अभी मैं नहीं देने वाला ठीक है अभी देखते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन इस फिगर को देखकर हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं नेम द स्पीसी मैप शोन ऑन द मैप कॉन्डार एनाकोंडा गोल्डन लॉयन टैमरिन मकाओ एट्सेट्रा तो इन्हें नाम देने हैं देखिए ये आप डाइजेस्ट में से किसी भी कर सकते हो टैमरिन मतलब स्क्विरल साइज का एक मंकी होता है और कॉन्डोर मतलब जो होते हैं वल्चर जैसे पंछी होते हैं पक्षी वल्चर जैसे पक्षी होते हैं देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिया है इनके पिक्चर्स जो है वो बुक के पहले पेज पर और लास्ट पेज पर दिए गए हैं आप देख सकते हो सभी ये जो एनिमल्स है इनके पिक्चर्स दिए गए हैं ठीक है थीके? तो आप देख सकते हैं कॉरिडोर कहां पर पाए जाते हैं यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ठीक है एनाकोंडा कहां पाया जाता है यहां पर पेंटनल रीजन में देखिए यहां पर गोल्डन आर फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन यहां पर ठीक है मकाउज आर फाउंड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राजील मकाओ यहां पर मकाओ मतलब पोपट जैसा पक्षी होता है तो देखिए ये यह यहां पर पाया जाता है ठीक है एनाकोंडा जो होते हैं वो दलदल जैसे रीजन में होते हैं यहां पर दलदली भाग है हमने देखा था तो यहां पर क्रोकोडाइल एनाकोंडा वगैरह पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन आर एनिमल्स फाउंड आर देयर हैबिटेट्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट ठीक है तो एक्चुअली इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इस जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में मिलने ही वाला है ठीक है चलिए देखते अच्छा पहले ये कलर्स ऑफ बोथ देखते हैं इन विच कंट्री डू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ ग्रेटर एरिया बी द रीजन बिहाइंड इट तो इसका आंसर यह है कि ब्राजील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इक्वेटर जो है वो ब्राजील में से जाता है इंडिया में से इक्वेटर नहीं जाता तो इक्वेटर इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में इक्वेटोरियल uh, फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो ज्यादातर एरिया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ब्राजील में पाया जाता है कंपेयर टू इंडिया बिकॉज इक्वेटर पासिस थ्रू ब्राजील नॉट इंडिया वीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर नॉट फाउंड इन ब्राजील तो कौन से तरह के इंडिया में जो पाए जाते हैं लेकिन ब्राजील में नहीं पाए जाते ऐसे कौन से हिमालयन फॉरेस्ट इंडिया में हिमालय है इसलिए हिमालयन फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में पाए जाएंगे ब्राजील में नहीं वीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन ब्राजील आर फाउंड इन इंडिया टू ऐसे कौन से फॉरेस्ट आप अगर ये मैप्स देखेंगे देखिए यहां पर ये जो इंडेक्स है ये देख सकते हैं दोनों की इंडेक्स देखकर आप कंपेयर कर सकते हो ठीक है दोनों की इंडेक्स देखकर आप कंपेयर कर सकते हो आपको पता चल जाएगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब वेजिटेशन मैंग्रोस एटसेट्रा ये जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है वो इंडिया और ब्राजील दोनों में पाए जाते हैं इन व्हिच कंट्री अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कौन से देश में ज्यादा वेजिटेशन की वैरायटी पाई जाती है तो ब्राज़ील में ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल टेम्परेचर में काफ़ी वैरायटी है इससे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है वेजिटेशन में भी कंसीडर और ब्राज़ील का एरिया भी ज़्यादा है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ज्यादा है तो इसके कारण वहाँ पर ज़्यादा वराइटी पाई जाती है कंसिडरिंग द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन टाइप्स टाइप्स इन विच कंट्री विल फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेश फ्लरिश तो ब्राजील में ज़्यादा वैरायटी है ट्रीज की. और मतलब स्पीशीज भी ज्यादा है ट्रीज की प्लांट्स की और डाइवर्स फॉरेस्ट भी है बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट का कवर्ड है ब्राजील में तो इस कारण से उन्हें वहाँ पर फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस जो है वो ब्राजील में फॉरेस्ट बेस्ड व्यवसाय जो है वो ब्राजील में ज्यादा विकसित हो सकते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन

क्रोकोडाइल्स uh, होते हैं एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में थोड़ा फर्क होता है पहले पेज पर आपको उनके पिक्चर्स मिल जाएंगे बुक के मंकीज पूमा भी एक लॉयन जैसा मतलब शेर लॉयन uh, जैसा प्राणी होता है लेपर्ड्स एर फाउंड द फिशीजराज एंड पिराज इन द रिवर्साना फिश की जाती है उनके दाग काफी मजबूत होते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं कुछ भी काट सकते हैं कॉन्डोर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काय वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स मकाउ एंड फ्लेमिंगोस आर द मेजर बर्ड फाउंड हि तो ये सारे पाए जाते हैं बर्ड्स

देखिए ब्राजील में भी यही समस्या है जो भारत में है एक्चुअली ये समस्या पूरी दुनिया में है कि एनवायरनमेंट uh, का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है इससे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है तो इन प्राणियों को वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा हानि पहुंच रही है उससे और कई सारे वाइल्ड एनिमल्स की इलीगल स्मगलिंग की जाती है उससे भी उनको उनकी प्रजाति को काफी हानि होती है और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो रोका है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो समझ लीजिए ये बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है ठीक है ठीक रोका जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूँ ये समझ लीजिए बड़ा फॉरेस्ट का रीजन है उसका ये छोटा सा रीजन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है कुछ आदिवासी जमाते होते हैं जो जंगल में रहती है वगैरह तो वो क्या करती है उस रीजन को इस रीजन में जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो जला देते हैं और यहां पर छोटे से रीजन में यहां पर प्लांटेशन करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं फार्मिंग वगैरह करते हैं तो फिर ये प्लांटेशन होने के बाद फार्मिंग हो जाने के बाद वो सीजन हो जाने के बाद वो वहां पर क्रॉप्स वगैरह लेते हैं अपना जो भी फसल है वो निकाल लेते हैं और फिर से उसे जला देते हैं तो और दूसरे रीजन को सिलेक्ट करते हैं इस रीजन को फिर यहां पर भी वही करते हैं यहां पर भी वो जो पहले से प्लांट्स है वो जला देते हैं और वहां पर प्लेन जमीन बनाकर वहां पर थोड़ी खेती करते हैं और खेती हो जाने के बाद फिर से उस फसल को जला देते फिर यहां पर भी वही करते हैं तो ऐसा करते 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 पूरा मतलब ऐसा करते करते लास्ट रीजन हो जाने के बाद यहां तक आने तक फिर से यहां पर आने तक जो है फिर से यहां पर बड़े बड़े प्लांट्स आ जाते हैं फॉरेस्ट हो जाता है तो इससे सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है तो इसे कहते हैं रोका एग्रीकल्चर या फिर भारत में इसे कहते हैं झूम साइकिल झूम जे एच एम झूम साइकल ठीक है तो ये है रोका एग्रीकल्चर उसके कारण भी पर्यावरण को काफी हानि हो रही है भारत में भी और ब्राजील में भी ब्राजील

इन दैट ईयर तो केवल एक वर्ष में केवल एक साल में पांच हजार आठ सौ इकतीस स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो डिफॉरेस्टेशन हुआ है ब्राजील में तो so, देखिए कितना ज्यादा तेजी से ब्राजील में पूरे दुनिया में ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडिया वाइल्ड लाइफ so, तो ये जो फॉलोइंग uh, एनिमल्स जो है वो इसमें दिखाने हैं वो आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा ठीक है ये बेंगाल टाइगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स वन हॉर्न राइनोज नीलगी टारगोर्स, लॉयन गैंजेटिक डॉल्फिन, स्वैम डियर क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एक्सेट्रा कोरिलेट जोग्राफिकल कंडीशंस एंड द फ्लोर एंड फॉन देर तो इंडिया में फ्लोरा एंड फोना और जोग्राफिकल कंडीशंस का क्या कोरिलेशन है ये पूछा गया है देखिए हिमालय में इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है तो उसके कारण वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती प्राणियों में और पक्षियों में और प्लांट्स में ठीक है लिमिटेड वैरायटी पाई जाती है फिर उसके बाद आ, उनकी लीव्स जो होते हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं ताकि कोल्ड uh, का उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना हो सके एनिमल्स के बॉडी के ऊपर थिक फर होती है फर होती है ठीक है तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में वगैरह जो है वो थोड़ी सी बारिश होती है अच्छी है इसलिए वहां पर फ्लोरा एंड फोना अच्छे देखे जाते हैं राजस्थान जैसे डेजर्ट में वगैरह भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशंस होने के कारण वहां पर कम वैरायटी पाई जाती है और वहां पर रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं और थॉर्नी वेजिटेबल वेजिटेशन और कैमल्स वगैरह पाए जाते हैं और बंगाल में सुंदरबंस वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है गर्मी होती है तो यहाँ पर बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं फिश वगैरह पाए जाते हैं डू यू नो अदर एनिमल्स टू तो कुछ अदर एनिमल्स कैसे हैं इसके अलावा इंडिया में पाए जाने वाले कौन से हैं चीता पाया जाता था वो एक्सटिंक्ट हो चुका है अब लेपर्ड पाया जाता है फॉक्स पाया जाता है जैकल पाया जाता है एलिफेंट्स पाए जाते हैं साउथ इंडिया में कई सारे डियर्स एंटीलोप वगैरह, ठीक है शो द हैबिटेट्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया विद देयर नेम्स ऑन अ मैप तो टाइगर जो है वो मेनली यहां पर बंगाल बेंगाल टाइगर उन्हें कहते हैं सुंदरबन एरिया में यहां पर पाए जाते हैं ठीक है वाई इज देयर हैबिटेट फाउंड इन देयर तो इसका आंसर ये है कि वहां पर ग्रास काफी है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो इस कारण से ग्रास पर रह खाने वाले एनिमल्स भी काफी है जैसे बैल या फिर सांड या फिर क्या कहते हैं उसे गोट्स डियर वगैरह हॉर्सेस वगैरह वो भी काफी है तो उन्हें खा उनको का, खाना काफी है टाइगर्स के लिए तो इसलिए वहां पर टाइगर्स पलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया इज ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ

इल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन एरिड लैंड गंगली गधे जंगली गधे पाए जाते हैं और कैमल्स भी पाए जाते हैं ड्राई रीजन में यहां पर राजस्थान में ठीक है ऊंट स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालय यहां पर स्नो लेपर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं याक वगैरह इंडियन बाइस डियर एंटीलोप एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिंसुलर रीजन पेनि रीजन में एंटीलोप्स मतलब तक, काला हिरण जिसे कहते हैं जिसके शिकार के आरोप में सलमान खान को जेल हुई थी ठीक है इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड तो भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां पर एक ही देश में टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं दूसरे देशों में या तो लॉयस ही होते हैं या तो टाइगर्स ही होते हैं लेकिन भारत में दोनों हैं तो ये हमारी विशेषता है जो हमें संभल कर रखनी है रिवर्स इश्चरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स और, और गवियाल्स इश्चरीज मतलब नदी के नदी जहां पर मिलती है नदी का मुहाना समुद्र से मिलती है वो एरिया तो वहां पर टर्टल्स पाए जाते हैं कछुए पाए जाते हैं घड़ियाल पाए जाते हैं मतलब क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड आर द शेल्टर्स ऑफ वराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक्स इंडियन बस्टर्ड मराठी बस्टर्ड ल मारडोक मनता राजस्थान का ये स्टेट uh, बर्ड uh, है बस्टर्ड किंग फिशर्स पाए जाते हैं पीसेंट्स पाए जाते हैं डक्स पाए जाते हैं पैराकिट्स मतलब ग्रीन पैरट uh, को पैराकिट कहते हैं पोपट ग्रीन पोपट को पैराकिट कहते हैं बाकी उनको अलग नाम है मकाऊ वगैरह क्रेन्स एंड पीजं ऑल दी स्पीसीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ

फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया तो भारत सरकार ने भी कई सारे नेशनल पार्क सेंचूरीज अभयारण्य जिसे कहते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को बर्ड्स के सेंचुरीज वगैरह रिजर्व करके रखिए है ठीक है टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग डे बाई डे दिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफेंट्स तो फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्च प्लांट एंड एनिमल्स फाइंड अबाउट देर हैबिट ये आपको करना है आप इंटरनेट पर से कर सकते हैं फाइंड आउट इन भी पार्ट ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस लाइक फाउंड इन इंडिया तो इसका आंसर है झूम साइकिल जो मध्य प्रदेश में वगैरह कहीं पर की जाती है बाय वॉट नेम्स आर दे कॉल्ड झूम साइकल्स के नाम से उन्हें जाना जाता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है